नमस्कार दोस्तों, विचित्र तरह के जानवर तो आपने इस चैनल पर बहुत से देखे, लेकिन आज के इस वीडियो में आप जिस जानवर के बारे में जानोगे तो जरूर आपके होश उड़ जाएंगे। हनी बेजर, इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में वाइल्ड मोस्ट फियरलेस क्रिएचर के नाम से दर्ज किया गया है। यह जानवर न सिर्फ बहुत खूंखार और निडर है, बल्कि बेहद चालाक और बुद्धिमान भी है। इस जानवर को बंद करके रखना बहुत मुश्किल है। मोहोलो होलो वाइल्ड लाइफ रिहैवली स्टेशन सेंटर में जब इसे बंद करके देखभाल के लिए रखा गया तो पाया गया कि ये वहाँ के दरवाजे की कुंडी तक को खोलने में सक्षम थे। फिर उस कुंडी को तार से बांध दिया गया, लेकिन ये उसे भी खोल लेते थे। और अगर दीवार को चारों तरफ से घेर दिया जाए तो ये जमीन के नीचे से खोदकर भागने लगते थे। इनकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए शोधकर्ताओं ने पाया कि इनका दिमाग इतना तेज होता है कि अगर वो नीचे से नहीं खोद पाए तो उस परिस्थिति में पहले तो ये दीवार को एनालाइज करते हैं और फिर वहाँ से निकलने की प्लानिंग करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये दीवार पर पत्थर या मिट्टी को एक के ऊपर एक रखकर उसे ऊंचा बनाते हैं और फिर वहाँ से निकल भागते हैं। और अगर वहाँ मिट्टी और पत्थर भी नहीं हुए तो ये किसी डंडे के सहारे भी बड़ी चालाकी से भाग निकलते हैं। इनके भाग निकलने के तरीकों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी इंसान ने ये सब किया है। देखने में हनी बेजर नेवला और भालू का मिला जुला रूप लगता है। इसके पूरे शरीर पर लंबे लंबे बाल और पैर में लंबे नुकीले नाखून होते हैं। ये जंगल में फल फूल के साथ साथ छोटे मोटे जीव जंतुओं को खा जाता है, मतलब ऑलमोस्ट ये कुछ भी खा लेता है। ये अफ्रीका, मिडल ईस्ट और भारत में पाया जाता है। भारत में इसे बिज्जू नाम से भी जाना जाता है। ये खासकर नदी और तालाबों के तटों में 25 से 30 फीट लंबी गुफानुमा घर बनाकर रहता है। इसके शरीर का ऊपरी भाग सफेद और बाकी पार्ट्स काले रंग का होता है। इसके लड़ाकू और गुस्सेल स्वभाव के चलते दूसरे जानवर इससे दूर ही रहते हैं। और खूंखार जीव जैसे शेर और चीता भी इस पर हमला करने से पहले सोचते हैं। मादा हनी बेजर तो अपने बच्चों को बचाने के लिए शेर और चीता पर भी बिना डर से उनसे भिड़ जाती है और उनको खदेड़ देती है। छोटे मोटे शिकारी जानवरों को तो ये जैसे भाव ही नहीं देता, क्योंकि उनको पता होता है कि लोमड़ी और भेड़िए जैसे जानवर उन पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेंगे। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि ये जहरीले जीवन जैसे कि सांप और बिच्छू को भी चट कर जाता है। हनी बेजर की बॉडी एंटी फेनोम होने के साथ साथ इसकी खाल इतनी मोटी और सख्त होती है कि बिच्छू के डंक मारने और जहरीले सांपों के डसने के बावजूद इस जानवर पर इनके जहर का कोई असर नहीं होता। इसलिए एक खतरनाक से खतरनाक सांप पर भी बिना डर के हमला करके उसे अपना शिकार बना लेते हैं। इसका रोएदार खुरदरा शरीर और नन्नी नन्नी लेकिन मजबूत टांगे होती है, पर इस जानवर के कान और आंखें बहुत छोटी होती है। लेकिन इनके देखने सुनने की काबिलियत काबिले तारीफ है। जमीन के नीचे जरा सी भी हलचल से और किसी जानवर के गंध से ये उन्हें ढूंढ लेता है। खासकर खरगोश और चूहों को उनका बिल खोदकर उन्हें दबोच लेता है। भूख लगने पर ये मधुमक्खी के छत्तों को भी नहीं छोड़ता। ये उनके छत्तों से शहद के साथ साथ मधुमक्खी का लार्वा खाने से भी पीछे नहीं हटता है। मधुमक्खी के लाख डंक मारने के बावजूद भी ये उसके छत्ते में से कुछ टुकड़ा अपने लिए निकाल ही लेता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जानवर बहुत ही मतलबी होते हैं। ये खुद का तो घर नहीं बनाते, पर दूसरे के घर में घुसकर उस घर को अपना बना लेते हैं। ये अक्सर लोमड़ी और नेवले के बने बनाए घर से उन्हें खदेड़ देते हैं और उनके घर में घुसकर खुद राज करते हैं। भारत में इसे कई बार छोटे बच्चों पर भी हमला करते हुए भी देखा गया है। और तो जमीन को खोदकर मुर्दों का मांस खाकर अपना पेट भरता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका कभी इनसे पाला पड़े तो इनसे दूर ही रहिएगा, वरना आपके साथ इसे भिड़ते देर नहीं लगेगी। खैर, इस वीडियो से अगर आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर देना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करो। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।